अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहुल है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक CSS या PMS एस्पिरेंट को किन किन बातों का ख्याल रखना है और इसके साथ साथ उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो कौन कौन सी रीडिंग्स करें। तो उसका हम लेट स्टार्ट करते हैं। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि जो सवाल आता है, सर मुझे फ़िलहाल आपकी PDF में कॉपी है तो वो शेयर कर दी जाए। तो क्यों PDF की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप PDF पे कभी भी नहीं जाएंगे। आप एक बुक खरीदेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हाँ अगर उसमें कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, कोई दूसरी बुक में है तो आप वो बुक डाउनलोड करके उसमें से टॉपिक देख सकते हैं। आप पूरी किताब PDF में कभी नहीं पढ़ सकते। कोई ऐसा बंदा जो ये कह रहा है मोबाइल पे PDF में पूरी किताब पढ़ सकता, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर मोबाइल पे आपका मोबाइल इंटरनेट ऑन होगा तो आपकी जो मेंटल जो है इंगेजमेंट वो डिस्पर्स होती रहेगी। आप कभी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे चले जाएंगे, कभी कुछ खोलेंगे, कभी कुछ खोलेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप बुक खरीदें, उससे पढ़ें। हाँ अगर आपने PDF में पढ़नी है बुक, तो लैपटॉप हो या आपके पास टैबलेट हो, बड़ी स्क्रीन हो, तो आप सिर्फ उसके लिए यूज़ कर सकें, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी आप PDF पे ना जाएं। अगर आप अपनी पढ़ाई से सिंसियर हैं तो आप बुक खरीदें। आपके पास अगर आपको एक ऐसी किताब पढ़नी पड़ रही है जो आज से काफ़ी अर्सा पहले पब्लिश हुई थी और उसकी PDF अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे PDF में पढ़ेंगे? आप जैसे मेरे पास एक किताब है, एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, जिसमें पढ़ रहा हूँ, ये 1927 आई थिंक सो तब की पब्लिश हुई है, तो उसको अब PDF में तो ये नहीं मिलेगी, तो आपको किताब भी पढ़ना पड़ेगी, उससे आपका नॉलेज इजाफा होगा। तो ये जो कन्फ्यूजन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के जरिए में पाई जाती है कि सर PDF में किताबें नहीं मिलती, तो आप PDF पर जाएँ ना। अब अच्छी अच्छी बुक शॉप्स हैं लाहौर के अंदर, काफ़ी हैं रीडिंग्स हैं, इसके अलावा इन्हीं वालों के पास काफ़ी मिल जाती हैं, बाकी पब्लिशर हैं उनके पास भी, आपको हर पब्लिशर के उसकी मेन शॉप पे चले जाएँ आपको मिल जाएगी। तो ये PDF किताब वाला जो सबर है वो एक सीरियस CSS एस्पिरेंट के जहन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी किताब खरीदे और पढ़े जुदा दौर में। अब इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि आप हेल्प लेते हैं, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, वहाँ से आपको हर तरह की हेल्प मिल जाती है, लेकिन वो उसको आपके नोट्स मेकिंग में काम आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉलिसी अच्छी नहीं है। उसके अलावा आप किताब अगर आपके पास नहीं है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें, लाइब्रेरीज में जाएँ, मुख्तलिफ लाइब्रेरी में जाएँ, वहाँ से आपको बुक्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और आप दोस्तों के साथ भी अपनी बुक शेयरिंग कर सकते हैं। मुझे कोई किताब जहाँ से अच्छी मिलती है मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कुछ दिन के लिए उधार लें, तो मैं उधार बुक लेके भी पढ़ के उसको वापस कर देता हूँ। अब उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए? ये तो अखबार का रीडर हो, डेली अखबार पढ़ता हो, चाहे उर्दू अखबार ही होना, लाजमी नहीं कि वो डाउन पढ़ता हो, लेकिन उर्दू अखबार इससे उसके हालात आजरा के बारे में मालूम मुकम्मल होगी। इसके साथ साथ मैगजीन, अच्छे मैगजीन वो रीड करता हो, वर्ल्ड टाइम्स वालों का CSS का रिकमेंडेड भी है, उनका सिलेबस में भी है, वो आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, उसकी सब्सक्रिप्शन थोड़ी महंगी है, तो आप वो ले लें, ठीक है, वो पढ़ें, अच्छा मैगजीन है। और उसके बाद आपने अगर हाँ आपने सोशल मीडिया पे ऐसे चैनल हैं जिनमें AJ+, अलजीरा वाला है, RT न्यूज़ रशिया TV चैनल का है, और इसके अलावा अमेरिका के फॉक्स के हैं, तो वो छोटे छोटे 3-3-4-4 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज हालात आजरा के प्रोग्राम के ऊपर बनाते रहते हैं, तो आप वो देखें, उससे आपको नॉलेज गेन होगा, बजाय इसके आप लोगों से बैगिंग करते रहें कि मुझे फ्लॉप बुक दे दें, फ्लॉप बुक दे। इसके बाद आपके पास एक लैपटॉप और प्रिंटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल या कोई ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट में सिर्फ अवेलेबल है वो आपने करनी है, तो उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें और उनको रीड करें, तो इससे आपको आसानी होगी। ये चीज़ें थी जो मेरे जहन में आ रही थी, मुख्तलिफ लोग जो सवाल कर रहे थे, तो उससे मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी कि हमारा जो आज का एस्पिरेंट है वो किस तरफ जा रहा है। तो मैं अभी आपको एक थोड़ी सी वीडियो छोटी सी शॉर्ट सी, क्योंकि मेरे पास किताबें हैं, उनको मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है, और सब्जेक्ट की आप सेपरेट बुक्स रखें, आपके पास मुकम्मल ज़खीरा होना चाहिए। आप PMS CSS में जा रहे हैं तो आप ये नहीं कि आपके पास किताबें नहीं हो, आप जा रहे हैं, अब पेपर शुरू होने से पहले आपने किताबें पढ़ी हों, ये ना हो कि आप पेपर साथ पे आ गए, आप किताबें ढूंढ लें, फ़लाँ बुक दे दें, फ़लाँ बुक दे दें, ऐसे नहीं चलता। शुक्रिया, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ लोगों को बुरी लगे तो वो उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं PDF की जाए पेपर बुक को प्रेफर करूँ।